कहिए कैसे हैं आप। बात थोड़ी देर पहले की है, मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी तो घर के सामने गेट के बाहर मैंने देखा एक लेडी है अपने छोटे से बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रही है और उसने कैरियर पकड़ा हुआ है मदर ने और बच्चा आगे साइकिल चला रहा है और वो बच्चा बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हाथ में छोड़ना हाथ में छोड़ना और मम्मी बोल रही तुम चलाओ ना, मैं नहीं छोड़ रही, पकड़े हुए हैं मैं नहीं छोड़ूंगी। और वो जैसे ही वो आगे बढ़ा ना एकदम से मदर ने कैरियर छोड़ दिया और वो बच्चा एकदम से अपना बैलेंस बनाता हुआ बहुत फुर्ती से चला गया। और मैं देख रही थी मदर की आंखों में, उसकी आंखों में हल्की सी ना झिलमिलाहट जैसे होता है ना खुशी के आंसू और एक गर्व कि देखो सब देखो कि मैंने अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया, मेरा बच्चा साइकिल चला रहा है, वो दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मतलब एक गर्व एक खुशी मैंने उस लेडी की आंखों में महसूस की। मतलब ऐसी होती है मदर्स कैसी कि बार बार पे खुशी की छोटी सी बात होगी तो आंखें छलछला जाएगी। और जब कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी वाकई में कोई ऐसी समस्या आ जाएगी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो अपने आप को इतना बोल्ड कर लेंगी कि आंख का आंसू छलकने नहीं देंगे कि भाई मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं इन चीजों से नहीं डरती, मैं मतलब बोल्डली इसका सामना करूंगी। वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है कि जब बच्चा रो रहा होता है माँ हंस रही होती है। हैरान हो गया ना, मैं भी हैरान हो गई कि ऐसा कब टाइम आता है कि बच्चा रो रहा है माँ हंस रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं पॉसिबल हुआ। पर जब मैंने पढ़ा और मैं मान गई कि हाँ ये चीज तो बिल्कुल सही कही है, ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। और ये है कि जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा होता है, बच्चा जब जन्म ले रहा होता है इस दुनिया में आता है तो वो रोता हुआ आता है और उस समय जो होती है ना मदर की आंखों में जो खुशी होती है, उसकी आंखों में जो झिलमिलाहट होती है, जो जो एक फीलिंग होती है ना वो होती है वाकई में, ये बिल्कुल सही है, वो उस समय जो स्माइल होती है ना और उसके बाद एक भी आंसू नहीं आने देती बच्चे की आंख में। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसका जितना भी दुख दर्द है वो सब ले ले और बच्चा हमेशा हमेशा तरक्की करता रहे, खूब खुश हो। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि बच्चे की और मदर की कितनी लड़ाई होती है, स्पेशली गर्ल्स के साथ तो बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है मदर्स की, मतलब हर जगह होती है। मतलब जहां हम बोलते हैं ना भाई बहन की लड़ाई है, भाई बहन की तो होती है पर बच्चे और मदर की भी होती है, चाहे छुट्टी का दिन हो कितना सुनना पड़ता है, मतलब कोई भी बात हो मदर और बच्चों की लड़ाई तो होती होती है। पौधों को पानी देते देते मेरे दिमाग में ये कुछ चल रहा था और मुझे ध्यान आई ये कहानी जो मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी नेट पे, बहुत अच्छी लगी थी, बहुत सिंपल सी पर बहुत अच्छी। उसमें ये होता है कि 10-15 साल का लड़का होता है, उसकी अपनी मदर से लड़ाई हो जाती है और कहता है मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के, और वो चला जाता है वाकई में चला जाता है। तो जब जा रहा होता है ना तो अब 1-2 घंटे हो गए, अब उसको भूख लग गई, जेब में उसके पैसा नहीं है, वो क्या करेगा। तो अब वो क्या करता है कि एक दुकान के आगे बैठ जाता है, ढाबा होता है वो, अब बैठ जाता है और सोच रहा है कि अरे कितना टेस्टी खाना बना हुआ है, मुझे भूख लग रही है भूख लग रही है। तो वो दुकानदार ना उसको ऑब्जर्व करता है कि इशारा करके पूछता है, तो बोलते नहीं नहीं क्योंकि उसको पता है उसकी जेब में पैसे नहीं है, वो खा तो पाएगा नहीं, ऐसे कौन ऑब्लाइज करेगा उसको। तो 2 मिनट बाद दुकानदार उसके पास आता है, बोलता है क्या वो भूख लगी है, बोलता है हाँ, कहता आज। तो उसको अंदर ले आता है और उसको भर पेट खाना खिलाता है। खाना खाता खाता वो बोलता है लड़का कि आप कितने अच्छे हैं, आपने मतलब मेरा कितना ख्याल रखा, आपने मुझे गर्म गर्म खाना खिलाया, आप मुझे जानते भी नहीं, और एक मेरी माँ है उसने तो मुझे घर से निकाल दिया, मतलब माँ की शिकायत करने लगा, माँ ऐसी है माँ वैसी है। तो 2 मिनट तो वो दुकानदार कुछ नहीं बोला, फिर उसके पास बैठ गया और दुकानदार फिर उससे बोला कि मैं तुमको जानता नहीं पहचानता नहीं और तुमको मैंने सिर्फ एक बार खाना खिलाया और तुम मेरे इतने ज्यादा ग्रेटफुल हो गए, इतने ज्यादा थैंकफुल हो गए, और तुम्हारी माँ बचपन से लेके तुमको आज तक उसने पाला पोसा, क्या हो गया अगर उसने कुछ बोल दिया, क्या उसका इतना भी हक नहीं है, उसने जन्म दिया तुमको, 9 महीने तुमको पेट में रखा है, क्या वो इतना भी नहीं बोल सकती, क्या हो गया, तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को, तुम्हारी माँ है माँ, उसने जन्म दिया है। तो वो बच्चा सोचने लगा कि हाँ इनकी बात तो बिल्कुल ठीक है और मैं इतना ऐसे कैसे हो गया, जबकि कोई भी लड़ाई की बात होती है, कोई भी खुशी की बात होती है, कहीं चोट लगती है उसको सबसे पहले माँ ही तो याद आती है और माँ जितना ध्यान तो उसका पूरी दुनिया में कोई रख ही नहीं सकता, तो उसने ऐसा क्यों किया, वो झगड़ा करके क्यों आ गया, उसके मन में ये चल रहा था। अब वो वापस घर लौटता है, वो जब लौट रहा होता है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है मैं जाऊंगा मम्मा क्या कहेगी, गुस्सा होगी मेरे को डांटेगी क्या करेगी। तो जब वो घर पहुंचता है वो देखता है गेट पे खड़ी हुई थी उसकी माँ। 4 घंटे बाद जब वो पहुंचता है वो देखता है गेट पे खड़ी हुई है और उसकी आंखें रो रो के सूजी हुई है और एकदम से देखते उसे लिपट जाती है, कहाँ चला गया था, कब से इंतजार कर रही हूँ, 4 बार खाना गर्म कर चुकी, तेरे को पता है चल। और वो कुछ नहीं कह पाता, वो बस कस के मम्मी से लिपट जाता है, कस के लिपट जाता है। तो ये होता है प्यार। और पता है क्या है, जैसे हम छोटे होते हैं तो मदर क्या करती है,
कहीं चोट लग गई खेलते हुए, तो एक फूंक मारती है और हाथ से सहला देती है, देख बस अभी ठीक हो जाएगी। ऐसी मरहम अभी तक नहीं बनी, जो ऐसी पेन किलर अभी तक नहीं बनी कि वो उनकी एक फूंक से ही दर्द ठीक हो जाता है। ये होती है माँ। आज तो मैं बस इतना ही कहने आई हूँ। वो एक्चुअली क्या हुआ है कि जब बच्चे को वो साइकिल चलाना सिखा रही थी और उन्होंने कैरियर एकदम से छोड़ दिया और बच्चा बैलेंस बनाता चला गया, तो वो जो उनकी आंखें थी ना वो बोल रही थी, वो चुपचाप बच्चे को देख रही थी और मैं उनकी आंखों को महसूस कर रही थी। तो मुझसे रुका नहीं गया क्योंकि आज मेरा टॉपिक कुछ और था, पर मैं इतनी ज्यादा उसमें बह गई, इमोशनल हो गई, तो मैंने सोचा चलिए आज ही यही आपसे डिस्कस करती हूँ। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और अपनी मदर को खूब सारा प्यार कीजिए।